नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नेता, सॉरी नेता नहीं बेटा, वैसे तो कुछ भी कह लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस वक्त विधानसभा के चुनाव और नेता जिसका जहां जुगाड़ लड़ रहा है अपना पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर और पिछले वाले को दे भर भर के गालियां, स्कीम बस मुंह मत खुलवाओ। वो एक कहावत है ना, जब घरवाली को भागना हो ना, वो कड़ियों में सांप बता के भाग लेती है। देखो जी, यहाँ तो कड़ियां नहीं है, सांप है, मैं तो जा रही हूं। और किसी को ये कड़ियां वर्ड समझ ना आया हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछ लेना। आपने भी देखा होगा, आपकी विधानसभा क्षेत्र में 5-7 उम्मीदवार तो लड़ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, हर कोई जीतने के तो लड़ नहीं रहा है, कोई तो इसलिए लड़ रहा है कोई कुछ आके दे तो मैं बैठ जाऊं, कोई इसलिए लड़ रहा है कि कोई मुझे आके बिठाए तो अगली बार उसके ऊपर एहसान रखूं। देखो गुप्ता जी, पिछली बार आपके कहने से बैठ गया था, इस बार कुछ मत बोल दियो। कोई इसलिए लड़ रहा है भाई, देख लूं मुझे वोट कितने मिले। लेकिन हारने और जीतने वाले दो ही लोग होते हैं, वो तो आपको डिसाइड करना है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं इन प्रत्याशियों को यह बताना चाहता हूं कि भैया तुम्हें चुनाव में किन किन चीजों की इस वक्त सख्त जरूरत पड़ने वाली है, तो आप भी नोट कर लें। जब हमारे नेता को किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, सबसे पहले उसे कहना चाहिए यस आई डिड दैट। और जब आपको मिल जाए टिकट तो सीधा आ जाओ अपने विधानसभा क्षेत्र में और 10-15 गाड़ियों का कर लो किराए का जुगाड़। और किराए के अगर पैसे नहीं है तो अपने भैया पार्टी के लोगों से गाड़ियां मांग लो, लेकिन हाँ तेल जरूर फुल करा देना और जो उसमें लोंडे बैठे हैं उनका भी तेल फुल करा देना, मतलब रोटी पानी। और रात तक काम करेंगे तो भाई तेल तो चाहिए ना, दोनों टंकियों में तेल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी, समझ गए ना। दूसरा क्या करें, एक वीर रस से भरा हुआ भैया जी अपने लिए गाना बनवा लें, और गाना हर मोहल्ले में दिन रात बजना चाहिए, लोगों की जबान पे चढ़ जाए। वो कहते हैं ना, जैसे रेडियो की पावर घिसा पिटा गाने को भी हिट बना देती है बार बार सुना के, सबसे पहले लोगों के दिमाग में बस जाओ। और इस वक्त मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, कहीं भी कोई शादी ब्याह मरना जीना दुख सुख कुछ भी हो, तुरंत पहुंच जाओ। लड़की की शादी हो तो लगना चाहिए तुम ही लड़की के बाप हो भैया, और कोई दुख सुख हो तो वहां जाके इतना रोना इतना पीटना करना कि तुमसे ज्यादा दुखी भैया इस दुनिया में कोई नहीं है। मंदिर मस्जिद, हाँ मंदिर मस्जिद हर चीज बोल रहा हूं, गुरुद्वारा चर्च सब जगह चले जाओ, क्योंकि तुम एक आदमी के तो हो नहीं या एक समाज के तो हो नहीं, तुम तो क्षेत्रीय संपत्ति हो, मतलब पूरे समाज के हो भाई, क्यों नहीं जाओगे? जरूर जाना। एक फोटोग्राफर परमानेंट तुम्हारे साथ परछाई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा है बस, वो जैसे कहते थे ना भैया जी स्माइल वो वाला, और उसे सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है ना, भैया सुबह खा लेना दोपहर खा लेना, ऐसे ही सुबह दोपहर शाम सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर अपडेट जाती रहे। शिष्टाचार भेंट, बालिका को किया सम्मानित, गरीब की लड़की की कराई शादी, मतलब इस तरह की रोज तुम्हारी पोस्ट जानी चाहिए, क्योंकि इस बार चुनाव डिजिटल है। दूसरा अपना एक कराओ प्रॉपर फोटोशूट, बिल्कुल प्रॉपर फोटोशूट जिसमें तुम्हें आ रहा हो गुस्सा, जैसे साउथ की फिल्मों में नहीं आता गुस्सा ना, और दिल्ले नूर बुल्ले रिंग, इस तरह गुस्से वाले फोटो, ताकि जनता को दिखना चाहिए कि देखो हमारे नेताओं को हमारी वजह से कितना गुस्सा आ रहा है, हमें अपने नेता के लिए कुछ करना चाहिए। और जो सड़कों पे फोटो लगे हैं, कुछ भी लगाए, कहीं भी मुंडी धरना हो, पब्लिक कह गया साला अभी हमें देख नहीं रहा है फोटो में, मतलब गर्दन सीधी सामने आई कांटेक्ट। उसके बाद जो तुम सड़क पे होर्डिंग लगवाओ कि उसमें समझ देशवासियों को दिवाली फलाना ढिमकाना की बधाई, बिल्कुल नहीं, क्षेत्रवासियों को बधाई देना, कौन सा तुम एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, कहां दिल्ली बैठे हो क्या, अरे तुम्हें यूपी बैठना है, तो सिर्फ अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देना, ये खामखाई की नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। हर मोहल्ले के पार्षद से जाके जरूर मिलो, जैसे वो माने जिस तरह माने भैया उसके हाथ पकड़ो पैर पकड़ो, जैसे माने भैया उसे मना के अपनी तरफ कर लो, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे, वहां के पार्षद ने दिया समर्थन, जन सैलाब उमड़ा, और ये चेक वहां एक आदमी ना हो, तुम जन सैलाब उमड़वाओ। वो कहते ना बाबा रामदेव गिरोगे तो मिलेगा चुनाव है, ऐसे थोड़ी चुने जाओगे। कपड़ों पे काम करना है, मतलब कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आप आम आदमी लगो, ध्यान है वो दिल्ली वाला, अरे वही खुजली वाल, हाँ कैसे खांसता था कपड़े पहनता था मफलर मफलर बांध के इस वक्त खांसना मत, उल्टा पड़ जाएगा, खांसोगे तो लोग तुमसे दूर हट जाएंगे भैया, समझ लो। हाँ क्या चल रहा है पता है तुम्हें, तो खांसना बिल्कुल मत, बगैर खांसे काम करो, लेकिन दिखो ऐसे कि तुम उन्हीं के घर के परिवार के हो। तो कपड़ों पर बहुत ध्यान रखना जरूरी हो गया है। और कहीं भी जाओ, कहीं भाषण देने चाहो, आवाज में ऐसा होना चाहिए दम कड़क, ओए मतलब दिखे हमारे नेता की आवाज में दम हो। वो ना कर दिया, मैंने कहती थी पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, कोई वोट नहीं देने का, आवाज में दम होना चाहिए। और ज्यादा गले से मत बोलना, गले से बोलोगे गले बैठ जाएगा, छाती से या पेट से बोलना, सुनो इस तरह आवाज आनी चाहिए। और एक नेता को रुक रुक के भाषण देने चाहिए, मेरा भाई हो रुक जाओ, जनता देखेगी अब आगे क्या बोलेगा। और बहनों
आज इस घड़ी आप लोगों के सामने खड़े होकर बातें करना 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 इस तरह आवाज गूंजनी चाहिए, तब पब्लिक आकर्षित होती है कि देखो हमारा नेता हमारे लिए किस तरह बात कर रहा है, कैसे लड़ रहा है। यू आर द फाइटर मैन, लड़ना है। एक फॉर्चुनर गाड़ी, हाँ भले ही फॉर्चुनर की स्पेलिंग ना आती हो तुम्हें, फॉर्चुनर गाड़ी पहले ले लो, पैसे ना हो किस्तों पे ले लो, दूरदर्शी बनो क्योंकि उसी पे तो विधानसभा का वो लगेगा पास, हर टोल पे फ्री जाएगी, पहले ले लोगे बाद में काम आएगी, समझे। गाड़ी जरूर ले लो फॉर्चुनर, फॉर्चुनर के बगैर आजकल कोई नेता नेता नहीं होता। इस वक्त इंसान तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हें सड़क पे कोई जानवर दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, उसके साथ प्यार, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे कि देखो गाय को चाउमीन खिला रहे हैं, कुत्ते को पिज्जा खिला रहे हैं नेताजी, मतलब जब जानवरों से इतना प्यार है तो इंसानों को क्या कर देंगे, मतलब ऐसे दिख जाओ कि आप ही इनके भगवान हो। कहीं भी अगर आप पब्लिक में खड़े हो तो कम से कम 10-20 फोन आपके पास आने चाहिए, फर्जी आए कैसे भी आए, जिसपे आप अधिकारियों को धमका रहे हो, हमारा सदस्य है ये, पार्टी का कार्यकर्ता है, ऐसे तंग करोगे, ऐसे धमकाने वाले 20-30 फोन हर जगह बजने चाहिए, ट्रिन 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 चारों तरफ से फोन बज रहे हैं। नेताजी देखो अपने लोगों के लिए किस तरह लड़ते हैं, मतलब तन मन धन जोत पड़ी तो गन, लड़ जाओ, हर गली मोहल्ला छत दुकान मकान सब में घुस जाओ। कोई ये ना कह रहे जी हमारे यहां तो आए नहीं थे हम क्यों वोट दें, अरे आज जूते घिस लोगे कोई दिक्कत नहीं, कल को जनता ने जूते घिसने हैं, टेंशन मत लो। मीडिया भाई साहब, मीडिया से तो ऐसी बना के रखना कि बस मीडिया आप ही के गुण गाए, क्योंकि मीडिया माहौल बना देती है और मीडिया बिगाड़ देती है, समझ जाओ बात को। बड़े बुजुर्गों से जहां सड़क पे कहीं दिखे उनसे आशीर्वाद लो, फोटो खींचो तुरंत सोशल मीडिया पे कि बाबा जी ने अपना आशीर्वाद रूपी समर्थन हमें दे दिया। और सबसे आखिरी बात, कहीं भी टेम्पर लूज मत करना, यूज करना, और उसके बाद तो भैया एक गनर साथ में होगा और नेताजी की होगी जय जयकार। चलिए धन्यवाद।